आइसोमेरिज्म, अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? ठीक है, पहले मतलब समझाती हूँ और फिर इसको हम लोग डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखेंगे। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन मैंने बोला आपको, सो ब्यूटेन के अंदर आप क्या स्ट्रक्चर बनाओगे? आप बना दोगे CH3, CH2, CH2, ये आप लोग बना दोगे ब्यूटेन, है ना, C4H10, ये अपना होता है ब्यूटेन। सो एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन ना, अनुभव सिया मुस्कान अनिकेत आपना, है ना, बच्चों? ओके, सो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये है C4H10, और इसको आपने बोल दिया ब्यूटेन। अब मैंने ना एक और कंपाउंड बनाया बच्चों, मैंने क्या किया, चार कार्बन ही रखे, 10 हाइड्रोजन ही है, पर ऐसे बना दिया। अब एक बात बताओ, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है, 1 2 3 4, चार कार्बन और 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 हाइड्रोजन, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, ठीक है, और इसके अंदर भी 1 2 3 4, चार कार्बन है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 हाइड्रोजन, C4H10, C4H10, ये दोनों ही C4H10 के फॉर्मूले हैं। इसको आप बोलते हो ब्यूटे और इसको बोलते हो 2-मिथाइल-प्रोपेन, है ना, अब तो नॉर्मल फीचर आता है हम लोगों को। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, C4H10, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर इस तरीके से है, तो उनको बोलते हैं हम आइसोमर्स, और ये जो फिनोमेना एग्जिबिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कि मतलब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम, बाकी कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कहीं पर एक ही वो अल्कोहल बन रहा होगा, कहीं उसे कहीं ईथर बन जाएगा, उसी फॉर्मूले का सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन आपको याद सिर्फ एक चीज रखनी है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इज इट राइट? डेफिनेशन लिखो, समझ में आया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? यस मैम। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म की हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे C4H10 था, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, तो उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, और इस ये जो फिनोमिना होता है बच्चों उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया। अब जो आइसोमेरिज्म है ना, ये अलग अलग तरीके का होता है और हम लोगों को इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ने कि किस किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। सो मैं इसे समझाती हूँ, आइसोमेरिज्म है, इसको हाँ दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड दिस इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट आयुपिक नेम. आयुपिक नेम ना डिफरेंट होता है, आयुपिक नेम डिफरेंट. जैसे कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ब्यूटेन और 2-methylpropane, आयुपिक नेम ही डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर देखना सेम आयुपिक नेम हो जाता है. सेम आयुपिक नेम, यहाँ आयुपिक नेम ही सेम है, नाम ही सेम है. जैसे मैं एग्जांपल से सिखा बताती हूँ पहले. सो अगर मैं एक कंपाउंड लूँ, एक तरफ है मैंने लिया ब्यूट टू ई, तो ब्यूट टू ईन कैसे लिखोगे आप? एक बारी तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और दूसरी बारी ऐसे लिख सकते हो. देखो ब्यूट टू ईन है, कंपाउंड हमारा यही है, इसको भी ब्यूट टू ईन बोलेंगे, इसको भी ब्यूट टू ईन बोलेंगे. बच्चों दोनों ब्यूट टू ईन है, नाम सेम है, अभी नाम सेम हो गया, लेकिन हमको नजर आ रहा है ना यहाँ पर मिथाइल एच ऊपर, मिथाइल एच इधर लेफ्ट में, ये तो सेम है, पर राइट वाले कार्बन पर देखो इधर मिथाइल नीचे एच ऊपर है, इधर मिथाइल ऊपर है एच नीचे. तो इसका मतलब यहाँ पर आयुपिक नेम तो सेम है लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्पेस में ओरिएंटेशन. ठीक है, कि मतलब स्पेस में मिथाइल और कार्बन पे जो दोनों मिथाइल, दोनों कार्बन पे जो दो दो मिथाइल जुड़े हुए हैं वो स्पेस में किस तरीके से अरेंज है वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन, उनकी पोजिशनिंग स्पेस में किस तरह वो अलाइंड है, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म. ऑलराइट, तो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म. तो यही वाली बात बच्चों हमने यहाँ पर लिखी थी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है. ठीक है, अब इसके आगे चले हम, ये वाला चीज नोट डाउन कर ली सबने? यस मैम. ओके, अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इसको भी दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाली जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी इसका क्लासिफिकेशन लिखिए बच्चों. स्टीरियो आइसोमेरिज्म को करते हैं कैसे, सेम स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, सेम स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, मतलब स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला सेम हो, और उस केस में कंपाउंड्स को कहते हैं होमोमर्स, और इधर अगर डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला हुआ तो उस केस में ना हमने इसको दो तरीके से डिवाइड कर रखा है. इसको हमने डिफाइन कर रखा है, एक तो होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कॉन्फर्मेशनल. सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक, सारे के सारे हमें पढ़ने. कॉन्फिगरेशन के अंदर होता है, इसमें आप एक तरीके से कह सकते हो कैन बी इजिली सेपरेटेड. जो कंपाउंड्स होंगे ना जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे, कैन बी इजीली सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर. मतलब उनकी ना प्रॉपर्टीज इस कदर डिफरेंट होती है कि आप उसको इजीली अलग अलग कर सकते हो कंपाउंड्स को, और ये दो तरीके की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है,
और जो कॉन्फिगरेशनल है बच्चों, इसके अंदर अभी सोच रहे हो ऐसे मैम लिखवाए जा रही है, लिखवाए जा रही है, अभी सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये लंबा लेक्चर है ना, मतलब ये 7-8 घंटे वाला लेक्चर है, मतलब 7-8 लेक्चर्स लगते हैं इस वाले टॉपिक के लिए, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सी, इसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि उसके अंदर कभी समझ में नहीं आएगा। वो पढ़े थे ना स्कूल के अंदर, एटलीस्ट वो तो पढ़ा होगा ना 11th के अंदर, टीचर ने पढ़ाया होगा 100 हॉर्स, एक्लिप्स, ब्यूटेन की, इथेन की, प्रोपेन की, है ना, साइक्लोहेक्सेन जब भी बोलते हैं तो उसका चेयर बोर्ड कन्फर्मेशन होती है, बहुत सारी वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बच्चों इस वाले में, ठीक है। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो हमको ये भी डिटेल में पढ़ना है, ये भी डिटेल में पढ़ना है, ये भी डिटेल में पढ़ना है, ये इतना डिटेल में नहीं है होमोवर्क वाला, और ये तो पढ़ना है डिटेल में। अंडरस्टूड? सबको अपना लेक्चर प्लान समझ में आया किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, यस ठीक है। मैम, ओके, अब मैं शुरू कर रही हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। ओके, ये हटा दूँ, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कंपाउंड का ना, कंपाउंड्स हैव सेम, एम एफ लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये 6 टाइप्स की होती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म ये 6 टाइप्स की होती हैं, छः के 6 टाइप ना, दे आर वेरी 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 इजी, बहुत ही आसान है, एक ही बारी में समझ में आ जाते हैं, तो इन सबको हमने पढ़ना है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ से लेक्चर अपना मेन शुरू करूँ, कि यहाँ से अब समझने वाला पार्ट है। अभी तक तो लिखाए जा रहे थे ना कि बस लिखते जाओ लिखते जाओ, तभी लिखना वाला बंद और अब समझने वाला चालू। ऑलराइट, सबके नाम नोट डाउन करो और मैं इसके अंदर एक प्रायोरिटी ऑर्डर, चलो अभी प्रायोरिटी ऑर्डर बाद में बताऊंगी, पहले ये लिखें। ओके, आई थिंक ये सबने लिख ली है। मैम बस लास्ट का अच्छा, ओके ओके ओके, पुराना वाला भी कुछ लिखना है क्या अनिकेत? पुराना वाला नो, ही, मैम वो सब लिख लिया। ओके, चलो तो मैं लिख रही हूँ ना, फिर मैं ये भी लिख रही हूँ। रिंग चेन आइसोमेरिज्म आर, टी से टॉटोमेरिज्म, एफ से फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एम से मेटामेरिज्म, सी से चेन आइसोमेरिज्म, पी से पोजिशन आइसोमेरिज्म। ये ना हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चेन, पोजिशन आइसोमेरिज्म। मैंने ना आपको 2 कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है, एक कंपाउंड इधर एक इधर। अभी इन दोनों के अंदर ना चेन आइसोमेरिज्म भी लग रही है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी लग रही है, तो तुम कौन से वाले बोलोगे इसको, कौन सा? एग्जाम में तो देखो मल्टी एमसीक्यू के अंदर एक ही को टिक करना होता है ना, तो तुम अगर चेन और फंक्शनल दोनों लग रही है तो तुम फंक्शनल को टिक करोगे, क्योंकि फंक्शनल की प्रायोरिटी ज्यादा है चेन की कम। अगर किसी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म भी लग रही है और फंक्शनल भी लग रही है तो तुम टॉटोमेरिज्म को टिक करोगे, फंक्शनल वाले को टिक नहीं करोगे।
दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. कि किसी कंपाउंड के अंदर आपको दो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दिखे तो ये नहीं कि हम किसको टिक करें, दोनों को टिक करते नहीं, ये अपना प्रायोरिटी ऑर्डर है. रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, दिस इज आवर प्रायोरिटी ऑर्डर. क्लियर एवरीवन? यस मैम. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद चेन आइसोमेरिज्म. वेरी 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 आसान, वेरी आसान. देखो अभी का जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है. बैंड बजे के अपना ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये बहुत आसान है. चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ऑफकोर्स आइसोमेरिज्म का मतलब ही ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन. जो मेन चेन है अपनी उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है. चलो एग्जाम्पल से लिखते हैं. एग्जाम्पल हो गया, अगर मैं C4H10 बोलूं तो एक बार तो आप बना सकते हो ऐसे चारों के चारों एक लाइन में, और या फिर आप बना सकते हो ऐसे. तो यहाँ पर मेन चेन जो है उसमें चार कार्बन की मेन चेन है और इसमें तीन कार्बन की मेन चेन है और एक ब्रांच है. तो 3+1 ऐसा समझ लो कि तीन कार्बन इधर है और एक इधर है. पेरेंट चेन प्रोपेन की है, पेरेंट चेन ब्यूटेन की है. So, इनको बोलते हैं चेन आइसोमर्स. चेन आइसोमर्स का मतलब है कि डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन. चलो अब आप लोग मुझे बनाकर बताओगे पेंटेन की, C5H12 पेंटेन, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है. और यहाँ पर ये भी लिख दूं ना, CH4, C2H6 और C3H8, इनके कितने कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है. कोशिश करके देखो प्लीज. ब्यूटेन के तो आपको पता चल गया कि ब्यूटेन के अंदर तो यू कैन से कि मैम इसमें तो दो आइसोमर्स पॉसिबल है, ये ए और ये बी, इसमें तो दो आइसोमर्स पॉसिबल है. अब आपको पेंटेन में बना के कोशिश करके देखते हैं कितने आइसोमर्स बन सकते हैं. मैम 3. वेरी गुड. यस 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन, लेकिन ठीक है. पेंटेन ये 2-methyl butane और ये 2-2-dimethyl propane, 3 पॉसिबल. वेरी गुड. अब मीथेन में बताओ कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे. मैम एक भी नहीं. एक भी नहीं, 0. इथेन में 0. प्रोपेन में 0. वेरी गुड. और इसके लिख देते हैं 3. तो ऐसे ही ये सबका हो गया. नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ मैं बच्चों, है ना. अच्छा ओके. नाउ अब तुम मुझे बना के, हमने पेंटिंग का किया है, हेक्सेन का कोशिश करो प्लीज. C6H14 हेक्सेन का कोशिश करो बच्चों. ये ना ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसा लग रहा हो तो बोरिंग काम है कि तब के ड्रॉ करो, लेकिन ना इस तरह पर क्वेश्चन आता था. फिर मैं टेबल भी लिखवाऊंगी अभी आपको, ये टेबल आप याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल है. ओके मैं भी बना रही हूँ, तुम भी बनाना. हाँ और तो नहीं बन सकते. टोटल हमारे 5 बन सकते हैं.
चेक करो बच्चों कॉपी में, और कोई पॉसिबल है क्या? यही बन रहे हमारे, है ना? और कोई भी चेन आइसोमर नहीं बन रहा है. दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स पॉसिबल. छह की चेन है. अच्छा ओके, एक बात बताओ, इससे मुझे पोजीशन का समझाना था, मैं भूल ही गई पोजीशन इस वाले में. तो हाँ ठीक है, चलो चेन ही हो रहा है उसमें. ओके बच्चों, यहाँ पर मुझे एक और टॉपिक बताना है. बोलना शुरू करूं? सबने ड्रॉ करके देखिए, और कुछ तो नहीं है? नो. चलो शुरू करते हैं. ठीक है, मतलब सवाल तो ना, और कुछ तो नहीं है. एक बच्चा बोल रहा है नो, दूसरा बोल रहा है यस, दोनों आंसर करेक्ट है. चलो खैर. अच्छा देखो, चेन आइसोमर्स कौन सा है? लेट मी राइट दिस डाउन. इसको हटाती हूँ, इसको हटाती हूँ. ए और बी की बात करो, छह की चेन है, पांच की चेन है, तो दीज आर चेन आइसोमर्स. ठीक है, हमारी प्रायोरिटी ना चेन की ज्यादा होती है पोजिशन से. अभी बी और सी को देखना बच्चों, बी और सी को. यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, पांच की चेन. यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, यहाँ भी पांच की चेन है. तो क्या बी और सी चेन आइसोमर्स हैं? नहीं. मैक्सिमम मतलब दोनों की पेरेंट चेन में पांच कार्बन की बन रहा है ना, पेंटेन का ही डेरिवेटिव है ना, तो मतलब पेंटेन का ही के ऊपर ही ब्रांच है ना, तो दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स. बी और सी क्या बन जाएंगे? पोजिशन आइसोमर्स. क्यों? इसमें देखो, इसमें आप कैसे नंबरिंग करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव. आप इसको बोलोगे टू पर मिथाइल, और पांच की चेन है पेंटेन, और इसको ये वाले को बोलोगे वन टू थ्री फोर फाइव. इसको आप बोलोगे थ्री पर मिथाइल पेंटेन, वो भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, दोनों ही तो पांच कार्बन की चेन है. तो आप इनको जो है चेन आइसोमर्स नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दोनों में पांच कार्बन है पेरेंट चेन में. Hence, आप इनको बोलोगे पोजिशन आइसोमरिज्म. क्यों? यहाँ सेकेंड पर मिथाइल है, यहाँ थर्ड पर मिथाइल है. साथ साथ पोजिशन आइसोमरिज्म भी समझ में आया? Yes, ma'am. अब मुझे बताओ, अगर मैं ए और डी की बात करूं, ए और डी क्यों आएंगे? चेन की पोजिशन. चेन चेन आइसोमर. यहाँ छह की चेन है, यहाँ चार की चेन है. ए और ई क्या होंगे, और फिर डी और ई क्या होंगे? ए और ई क्या होंगे? चेन चेन आइसोमर. डी और ई क्या होंगे? दोनों में चार कार्बन position. है, पोजिशन आइसोमर. वेरी गुड. क्यों पोजिशन आइसोमर है? इसका जब आप नाम लिखोगे तो आप बोल दोगे 2.2 डाइमिथाइल. देखो 2.2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना, चार की चेन है. और इसका जब भी आप नाम लिखोगे तो आप बोल दोगे बेटा, इसका बोलोगे 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. दोनों ही ब्यूटेन के डेरिवेटिव्स हैं. पेरेंट चेन मतलब चार कार्बन की है, बट एक में दो दो पे है मिथाइल, एक में दो तीन पर है. गॉट इट? क्लियर? गुड एनफ? एकदम समझ में आ गया चेन और पोजीशन का डिफरेंस? यस मैम. ओके नाउ, अब मैं एक बारी पोजीशन आइसोमर्स की भी डेफिनेशन लिख दूं एग्जैक्ट, और फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रही हूँ. सो पोजीशन आइसोमर्स डेफिनेशन है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ओनली इन द पोजिशन ऑफ the position of multiple bond or functional group or any branch.
3 are called position isomers. ठीक है, अब मैं कंपाउंड्स बना रही हूं और आप मुझे बताओगे कि ये चेन है कि पोजीशन है. ओके, स्टार्ट डूइंग और मुझे फिर आंसर बताना. बच्चों टाइम चाहिए कि शुरू कर लूं? मैम कर लिया. चलो स्टार्ट करते हैं. मैम सारी पोजीशन क्या है ना? आई डोंट नो, थोड़ा ध्यान से करना. एक ट्रेंड बनाते बनाते शायद तुमको कंफ्यूज करने के लिए मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है. थोड़ा सा ध्यान भाग लगाओ, मुझे पता है तुम फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखो. फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले को ध्यान से. तो मैं लिखती जाती हूँ. सो फर्स्ट वाला, ये दोनों तो हैं चेन, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स. यहाँ पे ब्यूट वन इन है, यहाँ ब्यूट टू इन है. ये प्रोपेन वन ऑल है, ये प्रोपेन टू ऑल है. ये भी पोजीशन आइसोमर. ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सभी तो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स. ये वाले को चेक करो प्लीज. मैम चेन 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 क्यों चेन है मैम? क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप में है तो हम उसको पैरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे. तो पहले में बस एक मिथाइल और दूसरे में मिथाइल आ जाएगा. इसमें 6 की चेन है, यहाँ पर 1,2,3,4,5 5 की चेन. ठीक है, कंपाउंड तो सेम ही है ना, 6-7 टोटल 7 कार्बन, 6-7 टोटल 7 कार्बन है. बढ़िया, तो दिस इज चेन आइसोमर्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल एक लास्ट वाला दो. सो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन इज, चार कार्बन चेन आइसोमर्स की पोजीशन आइसोमर्स या कुछ और, सोच के जवाब देना. So the question is, isomers है कि isomers ही नहीं? isomers ही नहीं है, है कि नहीं? देखो यहाँ चार ये है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C4H10 और इसका क्या होगा? CH2 यहाँ पर तो C4H8 है, फॉर्मूला ही डिफरेंट है. तो आप बोल दोगे दीज आर नॉट आइसोमर्स, ये तो आइसोमर्स है ही नहीं. ठीक है, हाँ दीज आर नॉट रिंग चेन आइसोमर्स, तो आइसोमर्स ही नहीं है. आइसोमर का तो बेसिक ही यही है कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए. ठीक है, क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पे चला जाए, मेटामर्स पे, है ना? ओके, चलो. देखो कितना आसान टॉपिक था और तुम लोगों ने गलत कर दिया. अभी ऐसा आँख कान नाक सब कुछ खोल के रखना एंड अभी देखना कि सारे के सारे आप लोग करेक्ट आंसर दोगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, मेटामर्स. ठीक है, मेटामर्स क्या होते हैं? अच्छा, मैं डेफिनेशन देखती, पहले समझाती हूँ फिर डेफिनेशन. ठीक है, अच्छा अगर लेट्स से सो हमारे पास क्या है, CH2 कि मैंने एक ईथर बनाया और ईथर का जो ऑक्सीजन है, इधर दो कार्बन है, इधर दो कार्बन. सो दीज आर, दिस इज ईथर, आप इसको बोल दो कि इथॉक्सी ईथेन. लेकिन इसी का मैं एक और आइसोमर अगर बनाऊं, तो मैं आइसोमर बनाऊंगी ऐसे. ओ इधर CHC ले लिया, इधर CH2 CH2 CH3.
द फॉर्मूला इज सेम, सी फोर एच टेन ओ, और यहां पर भी सी फोर एच टेन ओ, और यहां पर भी बच्चों सी फोर एच टेन ओ, द फॉर्मूला इज सेम, बट इनका ये कंपाउंड के अंदर वो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, तो हम इनको बोलते हैं मेटामर्स. हम इनको क्या बोलते हैं? मेटामर्स. मेटामर्स का भी देखो डेफिनेशन हिंदी में बता दू पर इंग्लिश वाला लिखा दू. जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लेफ्ट राइट अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, इधर दो दो है, इधर एक और, तो इनको बोलते हैं मेटामर्स. अब सुनो ध्यान से, अगर आप इसके अंदर मेन चेन देखोगे तो यहाँ पर दो कार्बन की मेन चेन ले लो, आप बोलोगे इथॉक्सी इथेन, और यहाँ बोल दोगे मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये चेन आइसोमर्स भी है. इधर दो कार्बन की चेन है लॉन्गेस्ट चेन, इधर तीन कार्बन की चेन है, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑल्सो, लेकिन हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है एमसीपी. मेटामर्स की प्रायोरिटी ज्यादा आती है, फिर चेन की, फिर पोजिशन. तो इंस्पाइट ऑफ ये कि दोनों के दोनों पॉसिबल है, लेकिन आप इसी को दोगे प्रायोरिटी, आप इनको मेटामर्स ही बोलोगे, ठीक है, चेन नहीं कहोगे, जबकि हमें लग रहा है चेन भी हो सकती है, दो की चेन है, तीन की चेन, ठीक है. अच्छा, अब ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बीच में ओ लगाया था, ऐसे ही बीच में एस भी लगा हो सकता है, ठीक है, उसको थायो ईथर कहते हैं, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं. सो उस केस में आप क्या करोगे, लेट मी राइट दिस, एक सेकेंड हाँ, मैं चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन लिख रही हूँ और फिर मैं उसका वो लिख रही हूँ. मेटामर्स कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट have different number of carbon atoms. Carbon के different number of carbon atoms हैं, ठीक है? On either side of the functional group. On either side of the functional group. उसको बोलते हैं मेटामर्स. और जनरली जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग यूज करते हैं ना, वो वाला एस एन एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, इनको बोलते हैं मेटामर्स, ठीक है. और इसमें एक हैशटैग करके भी पॉइंट लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ, मेटामर्स जो है ना, metamers occur only among members of the same functional group. जो metamerism का phenomena है वो मेटामेरिज्म का जो फिनोमेना है, इट अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप. देखो फंक्शनल ग्रुप आप ईथर उठा दो, तो जो मेटामेरिज्म करोगे दोनों वो जो मेटामर्स बनेंगे वो ईथर के ही होंगे, मतलब उसी कंपाउंड के अलग अलग वो तरीके से कार्बन को अरेंज कर, दोनों ईथर ही होने चाहिए, या दोनों थायो ईथर, या दोनों टू डिग्री वाला में, या दोनों कीटो, मतलब इसी के अंदर आप मेटामेरिज्म दिखाते हो. अब मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, डेफिनेशन हैज बीन रिटन बाय एवरीवन. एक सेकेंड क्या हो जाता बात करिए, ओके डेफिनेशन देख लो फिर मैं इसके एग्जांपल देती हूँ बच्चों. ठीक है, और मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ. सारे फंक्शनल ग्रुप सब लिख रही हूँ जिन जिनके अंदर आप मेटामेरिज्म एग्जिबिट करोगे. ओ ईथर में होती है, थायो ईथर, कीटोन में, एस्टर में,
टू डिग्री अमीन्स में, थ्री डिग्री अमीन्स में, इसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स में मेटामरिज्म हो सकती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट. अब मैं लिख रही हूं मेटामरिज्म के एग्जांपल्स, ठीक है? मेटामरिज्म के एग्जांपल्स लिख रही बच्चों, और आप लोग इसको देखो. सो फर्स्ट एग्जांपल, ओके, सो CH3 मैम एक बार लास्ट पेज दिखा दो. ओ सॉरी, देखिए बेटा मैं ऐसा करती हूँ, इसी पेज के नीचे लिखा है. सो CH3 CH2 S CH2 CH3, और इसका मेटामर हो जाएगा S और CH2 CH3. ये वाला भी पॉसिबल है, और मतलब एक सेकेंड, A, B और C वाला बना रही हूँ ऐसे, और देखना अभी ट्रिक क्वेश्चन आने वाला. ओके, फिर मैं पूछूंगी, ठीक है? A एंड B, A एंड C, B एंड C. देख, एक बार इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, बताओगे तुम मुझे कि दो मेटामर्स हैं, दो मेटामर्स ये वाले नहीं है. देखो क्यों नहीं है, आप लोग मुझे आंसर करोगे बच्चों. ए और बी में इधर इधर दो कार्बन है, इधर दो कार्बन, और इधर एक है, इधर तीन है, इधर एक है, इधर भी तीन है. ओके, सो ए और बी क्या है, दो दो और एक तीन, तो हम बोल देंगे मेटामर है. फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट है. ए और सी देखो, इधर दो दो है, इधर एक तीन है, इसको भी आप बोल दोगे मेटामर्स. क्या बी और सी को आप मेटामर्स बोल सकते हो? नो, क्यों नहीं बोल सकते? एक तीन, देखो ये तीन है ना, ये पोजीशन पे हो गए, इसके टू पे थायो इथर है, थायो मतलब मिथाइल, थायो मिथाइल वाला फिर इथर, और यहाँ पर इधर एसी पे कनेक्टेड है, इधर एक तीन सेम है. बी एंड सी आर नॉट मेटामर्स, दे आर पोजिशन आइसोमर्स, है ना? मेटामर का और पोजिशन आइसोमर का आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये बढ़िया वाला एग्जाम्पल लिखा है. बी और सी को हम मेटामर्स नहीं कहते. ओके, और एग्जांपल्स लिख लो आप. मैं बी और सी पोजीशन है या फिर चेन्ड है? पोजीशन, तीन की चेन है, है ना? मैं एक नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं, चलेगा? यस मैम. ओके, सो इसका वाला नाम लिखते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3. तो ये है, इसके अंदर आप नंबरिंग कैसे करते हो? 1 2 3, आप बोलोगे 1 पर मीथॉक्सी प्रोपेन, और 1 ये वाला कंपाउंड है, और इसमें आप नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3, फिर 2 पर मीथॉक्सी प्रोपेन. तो क्लियरली दे आर पोजिशन आइसोमर्स ना, मिथॉक्सी प्रोपेन है, लेकिन ये 1 पर है, ये वाला 2 पर है. सो दीज आर पोजिशन आइसोमर्स. एकदम क्लियर कट डिफरेंस इससे क्लियर हो जाना चाहिए, कि आप कंफ्यूज नहीं हो सकते आप. इज इट राइट ऑल चिल्ड्रन? सिया, भावना, मुस्कान, अनिकेत, अनुभव, है ना बच्चों? यस मैम. चल गुड. ओके, सो एक दो एग्जांपल्स और लिखते हैं बच्चों. एग्जांपल नंबर 2. सो इधर ले लिया मैंने क्या, इसमें फिनाइल C डबल बॉन्ड O O साइक्लोहेक्सेन, और इसके साथ ले लिया साइक्लोहेक्सेन
सी डबल बॉन्ड है ओ. तो दीज दिस एंड दिस आर मेटामर्स. अभी बोलोगे मैम यहाँ पर भी छह कार्बन है, 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 अब क्यों हमको मेटामर बोल रहे हो इसको. बट बेटा वो अल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट है ना, ये अपना फिनाइल है, ये साइक्लोहेक्साइल है, तो फिनाइल सी से जुड़ा हुआ है और इधर फिनाइल ओ से जुड़ा हुआ है ना. अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है. सो दीज आर मेटामर्स, ठीक है. ये वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम इसके अंदर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, भाई अल्काइल ग्रुप डिफरेंट देखना है. गॉट इट. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जो काम का एग्जांपल है. एक नेक्स्ट एग्जांपल लिख रही हूँ मैं. These and these are also metamers. इधर ब्रोमोफिनाइल का क्लोरोफिनाइल और ब्रोमोफिनाइल है, इधर क्लोरोफिनाइल ब्रोमोफिनाइल, अलग अलग जगह कर दिया, ठीक है. ओके ये यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए बच्चों. दिस इज क्लियर. आगे बढ़ लो, मैं हटा रही हूँ, एक सेकंड हटाती हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो. मेटामर्स पोजिशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, जैसे ये और ये, दीज आर पोजिशन आइसोमर्स एंड दे आर मेटामर्स. तो मेटामर्स की प्रायोरिटी ज्यादा होती है पोजिशन आइसोमेरिज्म से. आप इन दोनों को मेटामर्स बोलोगे. दिस एंड दिस मेटामर्स, दिस एंड दिस आर मेटामर्स, ठीक है. आगे बढ़ लू. यस मैम. थैंक यू. चलो नेक्स्ट चलते हैं. तो ये हमारे सारे फंक्शन ग्रुप्स थे, ये आपने लिख दिया था, मुझे बस याद है. चलो नेक्स्ट. अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, सबसे 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 इम्पोर्टेंट, ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है. इसके ना जो जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ वो एकदम बढ़िया से नोट्स लिखने हैं. यही वाला पीडीएफ मैं भी क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगी, लेकिन आप साथ साथ लिख लो, ठीक है, उससे ज्यादा अच्छे नोट्स बनते हैं बच्चों. फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स बहुत ही आसान. इसमें क्या किया, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रखना है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला तो आइसोमर में ही आ गया. मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट का मतलब देखो, एग्जाम्पल लिखती हूँ पहले. एक तरफ मैंने ले लिया, ओके, सो लेट मी राइट इट लाइक दिस बच्चों. सो ऐसे करके एक दो तीन चार, और मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है. अगर इसको मैं ऐसे करके लिखूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बन जाता है C4H6. और अब देखा, एक दो तीन चार, इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यानी कि CH3 CH2 CH, नहीं CH नहीं आएगा, सिर्फ C ही आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, तो C4H6. These are functional isomers. ये हैं functional isomers. क्यों? इधर तो डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है. हमने क्या पढ़ा है, डबल बॉन्ड का नॉर्मल क्लेचर अलग से पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड का नॉर्मल क्लेचर अलग से पढ़ा है. मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है. जैसे इधर एल्कीन है, इधर एल्काइन है. एल्काइन जो होते हैं ना बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये नहीं होते इतना एसिडिक, इनको नहीं है इतना एच प्लस देने का लालच, ये बढ़िया एसिडिक होता है. तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी चेंज हो गई, प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई. सो दीज आर नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स. क्या डेफिनेशन बन जाएगी इनकी, बहुत आसान है. कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, एज सिंपल एज दैट, है ना. सो अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ बच्चों. कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. वो कंपाउंड्स जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो उनको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स.
ठीक है। अब इसके अंदर ना मैं सारे के सारे टाइप्स लिखवा रही हूँ, सारे के सारे, जैसे कि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि कौन से वाले के अंदर कौन सा। जैसे मैं बोलूंगी अल्कोहल, अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमर कौन सा बनता है, ईथर का बनता है, तो मैं वो सारे के सारे लिखा रही हूँ। जैसे कि अगर आपको किसी ने एग्जाम में पूछो तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसका फंक्शनल आइसोमर में कौन सा बनाओ। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। तो इसके अंदर जो है ना कितने है अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है, 9 टाइप्स ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। पहले से शुरू करते हैं जो फंक्शनल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, सबसे पहला है अल्कोहल्स एंड ईथर्स, अल्कोहल और ईथर वाला। सो लेट्स लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, अगर हम लिखें CH3 CH2 OH एंड CH3 OH3, तो बच्चों उनका जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं, दिस माइट हेल्प यू, CnH2n+2। जैसे एल्केन्स का होता है CnH2n+2, एल्कीन्स का होता है CnH2n, एल्काइन्स का होता है CnH2n-2। ऐसे ही जो अल्कोहल और ईथर है, इन दोनों का फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ पर है अपने दो कार्बन, 3 2 5 1 6, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखो बच्चों, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, C2H6O C2H6O, इसीलिए ये दोनों हैं फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों है फंक्शनल आइसोमर्स? अल्कोहल है और एक दूसरा ईथर है। अल्कोहल की प्रॉपर्टी मस्त अलग होते हैं ईथर से, एकदम डिफरेंट। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट, अल्कोहल्स एंड ईथर हो गया। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, और इसके अंदर भी मैं जनरल फॉर्मूला लिख देती हूँ CnH2nO2। नाउ लेट्स प्रूव दिस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे सिंपल एथेनोइक एसिड लेते हैं, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एस्टर बना दो। तो एस्टर बनाने के लिए हम कर देते हैं HC डबल बॉन्ड O। देखो H4O2, और यहाँ पर है C2H4O2। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज द फंक्शनल ग्रुप। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरी तरफ एस्टर है। ठीक है, अल्कोहल्स एंड ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक, एकदम इजी इजी टॉपिक। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन, और इसी के साथ साथ मैं ये वाले भी लिख रही हूँ, इकट्ठे कंप्लीट कर रही हूँ वाला, एल्डिहाइड कीटोन अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स और अनसैचुरेटेड ईथर। मैंने ना बड़ा सा वो कवर कर लिया एक ही उसमें। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है, इन चारों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ये जनरल फॉर्मूला था। ठीक है बच्चों, अब लेट्स स्टार्ट, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बना देते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड 3 वाला ले लेते हैं, CH3 CH2 CHO, अपना प्रोपेनल है, इसका फॉर्मूला है C3H6O। फिर कीटोन बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन C3H6O। नेक्स्ट पे चलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH। ठीक है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, तो पहले ये भी लास्ट भी बना दूँ और इथर भी बना देती हूँ, फिर सबके अंदर लिख देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH O CH3, और इधर भी C3H6O
CbH6O. सब में फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप इधर है एल्डिहाइड, इधर है कीटोन. सेम देखो एल्डिहाइड है CHO, C डबल बॉन्ड ओके एल्काइल है तो कीटोन है. ये अल्कोहल है बट अनसैचुरेटेड अल्कोहल है. पर देखो ना अल्कोहल हमने तो यही पढ़ा है ना, डबल बॉन्ड और अल्कोहल में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अल्कोहल की ज्यादा. तो अल्कोहल बोल देंगे हम फंक्शनल ग्रुप. भाई अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का मतलब पता है ना, फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट हो उसको हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं. और वो वाला ग्रुप कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है. जैसे अल्कोहल होती है, अल्कोहल जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, बस इतना कि वो वाला फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज डिटरमिन करते हैं. तो ये है अनसैचुरेटेड अल्कोहल और यहाँ पर अपना ईथर है. तो अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड ईथर. ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल ईथर. ठीक है, ऑफकोर्स अनसैचुरेटेड वाले ये मुझे फॉर्मूला सेटिस्फाई कराना था ना. बट ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हेंस वी विल कॉल देम फंक्शनल आइसोमर्स. ठीक है, सो अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. ये सबको आई होप समझ में आ गया हो. नंबर फोर, ओके नंबर फोर नेक्स्ट पेज पे लिखिए बच्चों में, उसमें ना मुझे एक और चीज बतानी है. एरोमेटिक अल्कोहल एंड फिनॉल. देखो बच्चों अगर हम ये बनाए, ठीक है, और इधर मैंने बना दिया कि मेरी कहीं भी बात पे मान लेना कि इन दोनों के अंदर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, सात कार्बन है और ये यहाँ से भी एच, यहाँ पर एच रखा हुआ है, यहाँ से एच निकाल दिया था सीएचसी लगाने के लिए, तो बाहर जो है ये वाले इस तरह करके हाइड्रोजन आ रखे. इधर आपको तीन दिख रहे हैं, इधर चार, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला बच्चों सेम है. खुद से घर पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. अब सुनो ध्यान से, ये अल्कोहल है बेंजीन पर CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, या फिर वन फिनाइल मेथनॉल. ये अल्कोहल है, माइंड इट, दिस इज एन अल्कोहल एंड दिस जब भी बेंजीन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको बोलते हैं फिनॉल. सो दिस इज फिनॉल एंड दिस इज अल्कोहल. सोचने में ना हमको ये लगता था कि अल्कोहल और फिनॉल ना सेम ही बात है, दोनों ही अल्कोहल होते हैं, बट नहीं, फिनॉल इज नॉट एन अल्कोहल. फिनॉल की प्रॉपर्टीज अल्कोहल से कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली डिफरेंट, एकदम डिफरेंट. ठीक है, सो ये दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स में कहलाते हैं. ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है. ठीक है, और अब इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और लिख रही हूँ, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर. ईथर भी बना देते हैं. ईथर कैसे बनाओगे हम, तो इसके अंदर ईथर में बना देती हूँ ये सी, अभी हमने ओ सी एच सी कर दिया, सो दिस इज मीथॉक्सीबेंजीन ईथर. ठीक है, अच्छा और एक और चीज लिखती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तुम सोच समझ के जवाब देना मुझे. ठीक है, इनका तो पहले नाम लिख देते हैं, और ये है फिनॉल, ए बी सी. और आप बताओगे ए और बी क्या है, ए और सी क्या है, ए और डी क्या है, बी और सी क्या है, और डी क्या है, सी और डी क्या है. ओके बच्चों, एक ही जगह पर आप गलत कर सकते हो, बाकी तो मुझे पता है आप लोग सही आंसर दोगे. ए और बी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स की मेटामर्स की चेन आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स.
आज भावना बहुत चुप चुप है, मुस्कान भी एकदम चुप चुप है। भावना मुस्कान सो गए क्या? बोरिंग बोरिंग क्लास चल रही क्या? नो इतनी देर में जवाब देने, वाकई में सो गए लगा। चलो ए और बी बताओ, ए और बी क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है, यस मैम, बी और सी मेटास। फंक्शनल आइसोमर्स। इधर फिनॉल, इधर ईथर, है ना? यस मैम, ए और सी फंक्शनल आइसोमर्स, इधर अल्कोहल, इधर ईथर, फंक्शनल आइसोमर। बी और डी, बी और डी क्या है? ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, ये क्या है? सोचो सोचो सोचो, नहीं पता चलेगा कि कितना बचो, तुम लोग को मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं। फंक्शनल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, मेटामर्स, पोजिशन आइसोमर्स। ओ सॉरी, पहले मैं ये तो हटाऊं, नजर आएगा ना बी और डी। हाँ जी, फिनॉल है, फिनॉल है। मेटामर्स। मेटामर्स क्यों? पोजिशन आइसोमर्स। टू पर मिथाइल फिनॉल, फोर पर मिथाइल फिनॉल, है ना? पोजिशन आइसोमर्स हुए। सब चुप चुप क्यों थे? करेक्ट है कि नहीं? मेटामर्स जब हम लोग बोलते हैं तो बीच में फंक्शनल ग्रुप ले लिया, उसके इर्द गिर्द अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, अलग अलग अल्काइल ग्रुप हो, वो तो फिनॉल में तो पॉसिबल ही नहीं है ना? बी और डी को देखो ध्यान से, यहाँ पर ओ एच है, इधर भी ओ एच, इधर मिथाइल टू पे लगा दे, इधर मिथाइल फोर पे लगा दे, मतलब ऑर्थो पर मिथाइल है या पैरा पे मिथाइल है, फंक्शनल ग्रुप तो फिनॉल ही है। हेंस बी एंड डी आर पोजिशन आइसोमर्स, ए एंड डी क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, अल्कोहल फिनॉल, और सी और डी क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, सो बच्चों क्लियर है, नेक्स्ट पे चला जाए। किसी को कुछ डाउट, कोई चीज रिपीट करूं? नहीं, ओके चलो फिफ्थ पे चलते। हमने ये कर लिया, नेक्स्ट डाइईन्स। ठीक है, डाइईन्स और एल्काइन्स, ठीक है, और इसके अंदर रिंग वाले भी ले रहे, जो रिंग अभी नहीं ले रहे, जो रिंग चेन आइसोमर में तो बताऊंगी। डाइईन्स जैसे कि ये एंड दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ है एल्कीन और यहाँ है एल्काइन। ऑफ कोर्स डाइएल्कीन है, मतलब दो डबल बॉन्ड्स हैं वो, ठीक है, लेकिन एल्कीन ही है ना अपना फंक्शनल ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं डाइईन एल्काइन। और एक और भी बताती हूँ बच्चों, जब कभी भी अगर ऐसे करके लिखा है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब सी पे ना दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, उनको एलीन्स कहते हैं, ए डबल एल ई एन ई एस, एलीन्स कहते हैं। एंड अब मैं यहाँ पर एलीन्स भी ऐड कर देती हूँ। एलीन्स भी डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इसको कहते हैं एलीन्स, एलीन्स, ठीक है, एलीन्स। तो ये भी अपने फंक्शनल आइसोमर्स में आते हैं। अब सुनना हाँ ध्यान से, अभी मैं कुछ और भी बता रही हूँ। अच्छा ये नोट डाउन करो जल्दी से, डाइईन्स एलीन्स हो गया, मैंने कौन कौन से करवा दिए, एल्डिहाइड वाला करवा दिया, कीटोन करवा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर क्लियर कर लिया, अमीन्स करना है, साइनाइड करना है, ओके। नेक्स्ट पेज पे चल रही, नहीं इधर ही जगह है, नंबर सिक्स। नंबर सिक्स पर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स। बच्चों अमीन्स की ना हम डिग्री बोलते हैं, हम अमीन्स की डिग्री कैसे बोलते हैं? अमीन्स की डिग्री का मतलब होता है नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है। सो ये वाले चीज, अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं,
ओके सो अगर हमने लिख दिया CHC CH2 CH2 NH2 और ऐसे ही हमने लिख दिया CH3 NH CH2 CH3 और हमने तीसरा लिख दिया ये वाला. हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन लिख दिए. सबका फॉर्मूला सेम है, तीन कार्बन, तीन दो पांच दो सात दो नौ, नौ हाइड्रोजन. ठीक है, फॉर्मूला लिख देती हूँ. तीन कार्बन, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है 3+2 5+2 7+2 9 C3H9N C3H 3, 2, 5, 3, 4, 5, 9 ठीक है. और तीन तो सब में मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. बट बच्चों इसके अंदर देखो ये वाला है 1 degree अमीन क्योंकि नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है. ये वाला है 2 degree अमीन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन दो कार्बन से कनेक्टेड है. और ये है 3 degree अमीन, 3 degree अमीन नाइट्रोजन तीन कार्बन से कनेक्टेड है. 1 degree प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन. सो दीज अब ना अभी सुनो ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके. अगर अमीन्स की डिग्री अलग अलग हो, 1 degree 2 degree 3 degree तो वो फंक्शनल आइसोमर्स कहलाता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अमीन्स. अगर तुमने अल्कोहल बना देना 1 degree 2 degree 3 degree वाला, उससे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो सेम रहेगा, वो एक ही सिंगल होगा. मतलब ये समझ में आया फंक्शनल आइसोमर्स है. मैं नेक्स्ट पेज पर आऊं? यस मैम. अच्छा अभी देखो, अगर मैंने बना दिया CHC CH2 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 OH, ये है मेरा 1 degree वाला अल्कोहल. और ये है अपना 2 degree वाला अल्कोहल, कि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो दो कार्बन से कनेक्टेड है. तो ये 2 degree अल्कोहल है, 1 degree अल्कोहल, 2 degree अल्कोहल. और अब मैं बना रही हूं 3 degree अल्कोहल, 3 degree अल्कोहल, 1 degree अल्कोहल, 2 degree अल्कोहल, 3 degree अल्कोहल. सो दीज बच्चों ये तीनों आर नॉट, ऐसा लिखती हूँ हैशटैग करके, नॉट फंक्शनल आइसोमर. दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर. व्हाई आर दे नॉट फंक्शनल आइसोमर्स? क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर डिग्री चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल ही कहलाता है. दीज आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स. अब अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी और सी, ठीक है हमने नाम दे दिया. अब बताओ ए और सी, ए और बी, बी और सी. ए और, अच्छा पहले ए और सी लिख दिया ना, इधर चार की चेन है, इधर तीन की चेन है, तो ए और सी आर चेन आइसोमर्स. ओके ए और बी को देखो, चार की चेन है, अरे ये भी चार की चेन है, तो ये हो गए पोजिशन आइसोमर्स. इधर है ब्यूटेन वन ऑल, इधर है ब्यूटेन टू ऑल, चार की ही चेन है. लास्ट बी और सी में देखो, चार की चेन, तीन की चेन, तो फिर चेन आइसोमर्स. क्यों? क्योंकि फंक्शनल आता है, फिर मेटामेरिज्म आता है, फिर चेन, फिर पोजिशन. क्या ये बात समझ में आई कि रिपीट करूं? मैम आ गई समझ. वेरी गुड. कोई जना जिसको ना समझ में आई हो, कोई एनीबडी हु वांट्स मी टू रिपीट? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है. तो ये अमीन्स है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं. मतलब इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. कुछ ना वो हिंसबर्ग टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, ये अलग अलग रिजल्ट देता है. तो वो पूरी कहानी हम लोग पढ़ेंगे अमीन्स वाले चैप्टर में. लेकिन हाँ, ये सारे के सारे हैं फंक्शनल आइसोमर्स. अमीन्स की अगर डिग्री चेंज कर दो तो वो फंक्शनल आइसोमर बन जाता है. कौन सा था नंबर 6? ओके नेक्स्ट. अब है नंबर 7. सो 7 पे मैं लिख रही हूँ नाइट्रो एल्केन्स. एल्केन पे नाइट्रो ग्रुप हो या फिर एल्काइल नाइट्राइड्स, एल्काइल नाइट्राइड्स,
एंड अमीनो एसिड ठीक है. ओके सो लेट्स ड्रॉ एन एग्जांपल. CH3 CH2 एंड नाइट्रो इथेन बोलते हैं इसको. इसके बाद बना देते हैं एल्काइल नाइट्राइड CH3 CH2. इधर ओ से बॉन्ड बन रहा है एन और फिर डबल बॉन्ड ओ, तो इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्राइड. और लास्ट ले लेते हैं this is known as amino 1 2, so 2 per amino ethanoic acid. इसको अमीनो एसिड भी कहते हैं कि अमीनो ग्रुप भी और एसिड ग्रुप भी है. सो दीज आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स क्योंकि ये नाइट्रो है ये नाइट्राइट है. यहाँ पे एन से कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ पर ओ से कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर ये अमीनो एसिड कहला रहा है नाइट्रो इथेन इथाइल नाइट्राइड टू अमीनो एसिड ठीक है. ये हो गया नेक्स्ट नंबर एट. नेक्स्ट है साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स. साइनाइड्स के लिए हम लिख लेते हैं साइनाइड्स जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N. इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइड ठीक है. और CH3 N इसको बोलते हैं मिथाइल और एन सी जब भी होता है ना तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड आइसोनाइट्राइड या आइसोसाइनाइड. तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड ठीक है. ओके दिस इज क्लियर. अब लास्ट बचा हुआ एक और अमाइड्स एंड ऑक्साइड्स. मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं बच्चों मैं ये वाला टॉपिक खत्म करना चाहती हूँ आज. सबने लिख लिया ना? यस मैम. चल गुड गुड चल नाइन. नेक्स्ट है अमाइड्स एंड ऑक्साइड्स और CnH2n+1 NO ठीक है. ड्रॉ कर रहे हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2. ये वाला ना ग्रुप कहलाता है अमाइड. तो इसका नाम बन जाता है प्रोपेनामाइड ठीक है ना. हमने पढ़ा था प्रोपेनामाइड. और ऐसे ही डबल बॉन्ड NOH इसको बोलते हैं बच्चों ऑक्साइन. तो प्रोपेनल ऑक्साइन बोलते हैं इसको. प्रोपेनल ऑक्साइन बताओ क्यों बोलते हैं प्रोपेनल ऑक्साइन? क्योंकि आप क्या करते हो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O है ना उसको आप NH2OH से ट्रीट कराते हो और ये डबल बॉन्ड O और H निकल जाता है तो आपके पास बचता है ये वाला यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N. ऑक्साइन बोलते हैं प्रोपेनल से बनना है इसलिए प्रोपेनल ऑक्साइन. सो ये भी अपने ये सारे के सारे हमने बच्चों कर लिए पोजिशन नहीं इसको क्या बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर्स है. अभी देखना अभी क्लास होकर आ रही हूँ जिसको यहाँ पर मैं फंक्शनल में लिख रही हूँ और बाद वाली क्लास में बोलूंगी बेटे ये तो फंक्शनल है ही नहीं इसको तुम रिंग चेन बोलोगे. अपनी बात मैं थोड़ी देर में करने वाली हूँ ठीक है. ये नोट डाउन कर लिया? यस मैम. ओके अब नंबर टेन ने लिख रही मैं बस ऐसे समझा रही क्योंकि वो मुझे करवाना तो रिंग चेन में ही है ना. अनुभव है अनुभव ने रिंग चेन वाला एग्जांपल दिया था. अनुभव चला गया. ओके अच्छा अगर हमारे पास ऐसे कर कर है बेटा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH ठीक है. दिस इज C4H8 ऑलराइट. और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन. अब मैंने इसी को बना दिया ऐसे ये चेन है ये रिंग है. रिंग की प्रॉपर्टीज अलग होती है चेन एल्कीन की प्रॉपर्टीज अलग होती है. सो रिंग और चेन है सो
मैं बोल सकती हूँ दीज आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स. ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं क्योंकि एल्कीन की और रिंग की प्रॉपर्टीज ही अलग होती है. सो दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स. बट अगर एग्जाम में होता फंक्शनल आइसोमर्स नहीं लिखोगे प्रोवाइडेड आपके पास दे रखी हो रिंग चेन वाली ऑप्शन, क्योंकि ना ये रिंग और ये चेन, रिंग और चेन है तो आप लिख दोगे कि ये रिंग चेन आइसोमर है. क्यों इसको रिंग चेन बोलेंगे फंक्शनल नहीं बोलेंगे? आंसर दोनों करेक्ट है बट आपको अपना याद रखना है प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर इज रिंग चेन सबसे पहले, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन, फिर पोजिशन. तो आप चेन आइसोमर बोल, रिंग चेन आइसोमर बोलोगे इनको, रिंग और चेन, ना कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म. क्या ये बात समझ में आई? सब लोग को क्लियर हो गया? यस मैम. ओके नेक्स्ट, जब से नोट डाउन करो, रिंग चेन कर लिया हमने, ये मेटामेरिज्म भी कर लिया. ओ नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म तो बहुत लंबा टॉपिक है, ये नोट डाउन करो. अब मैं यहाँ आज की क्लास यही ओवर कर रही हूँ बिकॉज बच्चों टॉटोमेरिज्म में ना मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए. ठीक है, मैं बट ऐसे ही समझा देती हूँ टॉटोमेरिज्म, कल डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन. ठीक है, वी हैव 2-3 मिनट्स, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा जरूर देती हूँ कि टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, जब हमारा कंपाउंड हो लेट्स से लाइक दिस, ठीक है, और आप इसको नंबरिंग दे देते हो 1, 2. देखो मैंने इधर ऑक्सीजन को नंबर 3 दे दिया, मैं एटम्स की बात कर रही हूँ. अभी तक तो आप यही बोलते थे कि मैम कार्बन को नंबर देना, ये ऑक्सीजन को क्यों नंबर दे दिया आपने? दो ही कार्बन की चेन है, हम तो वही नंबरिंग करते हैं. लेकिन अभी मैं एटम्स को नंबर दे रही हूँ, एक कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड हो. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, 2 और 3 पोजिशन के जो एटम्स है उसका डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो 1-2 के बीच में, एंड इसका हाइड्रोजन 1 का हाइड्रोजन दे दो 3 को. फिर से सुनना, 2-3 का डबल बॉन्ड शिफ्ट करो 2-1-2 के बीच में, स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, फर्स्ट एटम का हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट एटम नंबर 3. यानी कि इसका टॉटोमर कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड को यहाँ ले आओ, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ओ के पास डाल दो एच. यहाँ पे 3 थे, 2 हाइड्रोजन बचे, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया इधर, और ये वाला एच तो ऐसे खाली गया. इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. ठीक है, और ये कब एग्जिबिट होती है? ये एग्जिबिट हम तभी करते हैं पेन या ऐसे लिख दो possible only when first atom जो लिया है आपने, atom number 1 जो लिया है is sp3 hybridized and has hydrogens, या sp3 की भी जरूरत नहीं है, उसके पास hydrogen होने जरूरी है. ठीक है, hydrogen होने जरूरी है, उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म. ओके बच्चों, क्या ये सबको समझ में आया? यस मैम. ओके बच्चों, आज की क्लास में यही ओवर कर रही हूँ. टुमारोज क्लास में हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और उसके बाद ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शुरू होने वाली है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई क्लास मिस मत करना. अगर क्लास मिस करे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी.